Aditya, how you came into trading? जब मैं 15, 16 के आसपास का था, या I think 14 only, I was almost full time working. I would say people say part time work कर रहे, full time study कर रहे. मैं ये बोलूँगा मैं full time work करता था, part time study करता था. बट जैसे आप ये बोल रहे हो ना कि कॉस्ट कैसे रिकवर होते हैं एंड आप कैसे करते हो, तो मेरे दिमाग में भी हमेशा ये चीज रहती है कि यार अब आप ए से बी पे आ गए, अब मेरे को अगर बी से समझो जेड पे जाना है तो कैसी, द रियल वेल्थ इज मेड हियर. तो वैसे करके देन स्टार्टेड एज अ प्रॉपर लाइक इन्वेस्टर कि अगर 10 रुपया कमा रहे तो 1 रुपया इन्वेस्ट करो, बाकी 9 से क्या करना है वो देखो. सबसे पहले ने कुछ की मैक्स लॉस होगा तो 5,000 होगा, तो आई थिंक वो कोई हीरो जीरो टाइप कॉल हो. 2019 तक ना मेरा जो वो वाला बिजनेस था उससे मेरा थोड़ा थोड़ा मन उठने लगा था, क्योंकि थोड़े डिफरेंसेस भी थे आइडियाज में, करना है नहीं करना है कैसे करना है. 2019 में आई स्टार्टेड ट्रेडिंग अ लॉट कैश स्टॉक्स में भी, एंड थोड़ा बहुत फ्यूचर्स करने लगा था, ऑप्शंस भी थोड़े समझने लगे थे, बट थोड़ा फ्यूचर ज्यादा करता था. इंट्राडे में भी आई यूज्ड टू ट्राई ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑल. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि यार मैक्स लॉस क्या है, खोने को कितना खो सकते हैं. एक बिजनेसमैन को हमेशा वो चीज पता रहती है, आपको पहले मरना जरूरी है यू नो जीने के लिए, लाइक सीखने के लिए, कोई भी चीज करने के. आपको आपकी मिस्टेक फिर मार्केट ही बताएगा, और वो हो सकता है 1 दिन में बताए या 10 दिन में बताए या 10 महीने बाद पता चले कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए था. लाइक 4 ही आउटकम हो सकते हैं, मतलब बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस. बस बिग लॉस अवॉइड कर. वी वर ट्रेडिंग एवरीथिंग, अगर अपॉर्चुनिटीज आती है तो वी वर टेकिंग इट. दूसरे भी कमोडिटीज पे ट्राई करते रहते हैं, कैश ट्रेड्स भी ट्राई करते रहते हैं, किसी, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज वर्किंग टुडे विल इट वर्क टुमारो और नॉट. हमारे दिमाग में भी ना ऐसे ही हैमर किया गया है कि 1% से ज्यादा लॉस लेना नहीं है. आज कैश ट्रेडिंग की साइकोलॉजी ऑप्शन ट्रेडिंग की साइकोलॉजी से बहुत अलग होती है, बाकी मेन जो ब्रेड एंड बटर है वो ऑप्शंस है. तो गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे वी हैव विद अस आदित्य सिंघानिया हु इज द को-फाउंडर ऑफ वैद्य स्टॉक्स. वेलकम आदित्य, yeah, so I wanted to have you on Traders Talk, but you agreed to come on Traders Unabridged. This session is going to be uncut, unfiltered. जैसी बात होगी वैसे जाने देंगे, ठीक है? We want to understand how you came into trading, what motivated you, है ना? And उसके around सारे के सारे questions हैं around Vaidya Stocks Private Limited, ठीक है? And everything. So welcome. Thanks, Rohit. Thanks again. And first time ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि I'm coming on YouTube and you know. Speaking on a public platform like this, so excited and nice. But yeah, thanks. And I pretty much know about. Sorry, interrupting you. Congratulations for having a baby just now. It's saw your picture also yesterday on Twitter. बहुत अच्छा लगा. Really nice. You are also going to be married soon, na? Yeah, I can understand. So anyways, Aditya, how you came into trading? Yeah. Because इससे पहले हमने आदित्य सिंघानिया के साथ सिंपल ट्रेडर के साथ भी हमने सेशन किया था. Right. He has also worked with you. So right. अच्छा फ्रेंड है आदित्य. Let's hear it. तो see basically how I came into trading is the थोड़ा सा we'll have to go back like how I grew up and what was the surrounding and everything. So basically, you know, coming from a Marwadi family, you understand money, you understand business from a young age. And I am a single parent child. Okay, तो वो थोड़ा सा मैं ये बोल सकता हूँ कि मनी की समझ थोड़ी सी ज्यादा है. मेरे को ऐसा फील होता है क्योंकि बचपन से अपने मॉम को देखा है और फैमिली में लोगों को देखा है स्लॉप करते हुए एंड मेहनत करते हुए. लाइक माई मॉम इज माई बिगेस्ट एग्जाम्पल. वो आज भी अगर मैं बैठता हूँ तो शी इज ऑलवेज बिहाइंड मी की she always feels I work less and I cannot even defend this in front of her. वो इतना काम करते थे उनके टाइम में एंड अभी भी करते हैं काफी. तो उनको देखा सीखा तो वहां से वो इंस्पिरेशन आया. सो आई एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज क्वाइट यंग. और आई शी हैड अ बिजनेस. आई यूज टू हेल्प हर व्हेन आई वाज वेरी यंग एंड ऑलमोस्ट यू कैन से जब मैं 15-16 के आसपास का था, आई थिंक 14 ओनली, आई वाज ऑलमोस्ट फुल टाइम वर्किंग. आई वुड से पीपल से पार्ट टाइम वर्क कर रहे, फुल टाइम स्टडी कर रहे. मैं ये बोलूंगा मैं फुल टाइम वर्क करता था, पार्ट टाइम स्टडी करता था. ओके, एवर सिंस 10th एंड 11th एंड सिंस देन, सिंस एवर सिंस कॉलेज स्पेशली. तो पहले से वो था कि भाई काम करना है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है एंड कुछ एस्टेब्लिश करना है एंड कुछ बड़ा करना है. ऐसा नहीं है कि मतलब आप कर रहे हो, स्लॉप कर रहे हो, आप उधर ही हो. स्टैग्नेंट होना मेरे को नहीं पसंद.
तो उस समय पे भी ये क्वेश्चन रहता था कि ओके मैं मॉम के साथ कुछ टाइम काम कर लिया, अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, व्हाट नेक्स्ट. ठीक है, तो देन आई थिंक व्हेन आई वाज 17 और 18 आई सेपरेटेड फ्रॉम हर एंड स्टार्टेड माय ओन बिजनेस ऑन सिमिलर लाइंस इन दैट रिटेल इंडस्ट्री ओनली. ओके, ऑन सिमिलर लाइंस एंड देन स्टार्टेड डूइंग माय ओन थिंग. तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस मिला. यू नो इट्स लाइक आपको आई स्टार्टेड टेकिंग दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि भाई बिल्स मेरे को पे करने हैं, घर मेरे को चलाना है, सारी चीजें मेरे को करनी है. एंड दिस वाज बैक व्हेन. बट देन यू डिडंट गो फॉर स्कूलिंग. इफ यू स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम द एज ऑफ 14 तो आपने स्कूलिंग वगैरह या कॉलेज वगैरह नहीं स्कूलिंग मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पार्ट टाइम स्कूलिंग मैं उसको बोलूंगा क्योंकि स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था. मैंने सब कुछ किया. कॉलेज में यार इतना कुछ वो नहीं होता था कि अटेंडेंस आपकी बहुत ज्यादा कंपलसरी है या ऐसा कुछ है. वो सारे कॉलेज में तो मैनेज हो जाता था. स्कूल में हाँ, स्कूल में आई वॉज वेरी रेगुलर. एंड पढ़ाई में मैं वैसे स्टार्टिंग से हमेशा से ठीक ठाक रहा हूँ. मतलब टच वुड, इट्स नेवर बीन वेरी टफ फॉर मी इन वॉट एवर आई हैव डन. ओके, सो आई यूज टू मतलब मैनेज. मेरे को ये था कि मैं अभी भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं पूरे दिन कोई चीज को लेके बैठा रहूँ. आई लाइक टू फोकस ऑन थिंग्स. तो अगर कोई चीज को हाथ में लिया, आई फील अगर आप उसको 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे अगर दे रहे हो और आप डेडिकेटली दो तो आपको आप कैच कर सकते हो कोई भी टॉपिक को बहुत अच्छे से. सो आई मेरा एक वो है प्लस पॉइंट. सो करता था कॉलेज वगैरह, आई डिड एवरीथिंग एंड बट माई मेन फोकस वॉज ऑलवेज ऑन बिजनेस एंड हाउ टू ग्रो दैट. एंड मैं था भी कॉमर्स में तो वो चीजें समझ भी उस तरह से आती थी कि यार क्या करना है और कैसे करना है और क्या चीज आपको बेटर कर सकते, राइट. सो देन आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हर, स्टार्टेड माई ओन बिजनेस. यू डिड कम्प्लीट योर स्कूलिंग एंड योर ग्रेजुएशन? Yeah, I have completed my schooling and graduation. I did commerce from Mumbai University. When I was doing that, I did some other diplomas also that were getting offered, jaise corporate accounting and finance, applied financial management. After that, when I started my business, so when I got separated from my mom's business, it was a conscious decision to do something more of my own. So then I started a clothing business. After starting that, yes, when I was doing that business, I did my the various diplomas in fashion designing also because I thought us samay pe that was in need of the hour for me. So I did that with a college that is affiliated with University of Paris. The college is in Mumbai only. It's affiliated with that university. So I did a couple of diplomas from there. So I did my schooling and everything. But meanwhile, I used to manage my work also very well. Time allocate कैसे करना है, क्या करना है, वो मेरे को थोड़ा आता था क्योंकि सीखा था वो चीज घर से. अपब्रिंगिंग वैसी थी कि आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो. आज भी मैं ये मानता हूँ कि हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं. सिर्फ एक चीज करना, एक काम करना इज नॉट यू नो जरूरी नहीं है. आप अपना टाइम डाइवर्ट करके काफी जगहों पे काफी कुछ कर सकते हो. वैसा है बट तो वो बट स्टिल 18 की एज में यू आर सेइंग कि आपने अपना बिजनेस चलाया था क्लोथिंग का एंड दैट टू इन मुंबई. नॉट ओनली इन मुंबई, वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशंस इन इंडिया एंड ऑल अराउंड इंडिया एंड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो. सो फॉर वर्क by the time I was 21 for work, I have traveled to Dubai, I have traveled to Malaysia, Singapore, Sri Lanka, South Africa, Kenya, I think yeah, all of these countries. But यार एक बात बताओ मुझे, ठीक है, और भी लोग मतलब कि clothing का business करते हैं, मैंने देखे हुए हैं, ठीक है. But to be doing a business of clothing at the age of 18 year and then you are saying कि मैं दुबई में था, मलेशिया में था, उसकी एक अपनी अलग से कॉस्ट रहती है, ठीक है. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? सो वर यू सो मच गुड फ्रॉम द फैमिली दैट यू कैन यू गॉट द सीड कैपिटल और इट वाज लाइक यू रेज द कैपिटल और यू हैड पार्टनर्स और यू वर विद सम कंपनी? मतलब आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि 18 की एज में कैसे. सो सी कैपिटल का ऐसा है कि लाइक आई टोल्ड यू आई वाज वर्किंग बिफोर दैट आल्सो विद माय मॉम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स. तो थोड़े बहुत पैसे जो थे वो खुद के जमा थे. तो थोड़ा जो कैपिटल था वो वहां से आया था बट नॉट फ्रॉम अ आई वुड नॉट से दैट आई एम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. इनफैक्ट आई हैव सीन those difficult times, I would like to say that. Matlab, of course, I always consider myself lucky. There are people with much more difficult times, but aisa kuch nahi hai ki yaar bahut zyada well-to-do family hai aur seed capital hai aur burn karke chala rahe.
वो मारवाड़ी लोग है तो ऐसा करते ही नहीं है, बर्निंग नहीं समझ आता मेरे को। तो प्रॉफिटेबल रह के किया है जब तक जो भी किया है, बर्निंग पे कुछ भी नहीं किया है, एंड थोड़ा बहुत जो कैपिटल था वो वहां से आया एंड देन ऑर्गेनिकली ग्रो किया। मीनवाइल मेरा एक और पार्टनर भी था उस समय पे जिसको फिर मैंने ऑनबोर्ड किया था इस कंपनी के लिए, देन वी वर वर्किंग टुगेदर फॉर सम टाइम। बट जैसे आप ये बोल रहे हो ना कि कॉस्ट कैसे रिकवर होते हैं एंड आप कैसे करते हो, तो मेरे दिमाग में भी हमेशा ये चीज रहती है कि यार अब आप ए से बी पे आ गए, अब मेरे को अगर बी से समझो जेड पे जाना है तो कैसे, अगर मेरे को और स्केल करना है तो कैसे। तब वहां पे थोड़ा थोड़ा रियलाइज होना शुरू हुआ कि यार बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, और जितने भी दूसरे प्रपोजिशन या आइडियाज में सोचता रहता था, क्योंकि मेरे को हमेशा से ये था कि एक चीज नहीं करनी, दो तीन चीजें करनी है, ठीक है। उसमें भी ये था कि यार ये करो तो भी कैपिटल चाहिए, वो करो तो भी कैपिटल चाहिए, अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, मशीनरी है तो भी कैपिटल चाहिए, तो वो सारी चीजें दिमाग में चलती रहती एग्जीबिशन के अंदर जाने के लिए भी तो कैपिटल चाहिए। हाँ, तो स्टार्टिंग का सीड कैपिटल तो दैट इज दैट कॉस्ट दैट यू आर सेइंग, इट्स नॉट लाइक फ्रॉम गोइंग बॉम्बे टू गोवा, इट इज नॉट करेक्ट, एंड दैट इज आइदर गोइंग टू बी अ कॉस्ट और इट इज गोइंग टू बी कमिंग आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, ठीक है। So I am just trying to imagine ki at 18 or 20 years, what kind of profits or margins you were looking at in that clothing business, that it was covering the cost of exhibition in Dubai and other countries also, and then it was profitable. So what was the scale of it? मैं नंबर्स तो डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, बट काफी लोग, मतलब सिंस अपन इंडियन है और काफी लोग देखने वाले हैं, फैमिली वैल्यू में भी होपफुली आई थिंक, तो मैं नंबर्स तो डिस्कस नहीं करूंगा। बट या कैपिटल लगता था, मैसिव स्केल पे काम कर रहे थे। एट वन टाइम आई वॉज डायरेक्टली मैनेजिंग अ टीम ऑफ अबाउट 12 to 15 पीपल एंड इनडायरेक्टली पेइंग indirectly on my payroll there would be more than 30-40 people, but directly managing 12 to 15 people, paying them salaries and having a office and traveling and this that, matlab main jab 18-19 tha to tab Jet Airways zyada chalti thi, to main Jet Airways ka bahut saalon se platinum member tha, uske pehle Kingfisher tha to uska bhi tha, to wo frequent flyer club aur ye wo sab maine experience kiya hai, mere air ticket ke printouts hote the itne sare at any given point of time mere bag mein, तो या काफी बिजी लाइफ। ट्रैवल तो बहुत किया है, उससे सीखा भी बहुत है। आई यूज्ड टू ट्रैवल व्हाट आई थिंक 20 to 25 डेज इन अ मंथ आई यूज्ड टू ट्रैवल एट वन पॉइंट। एंड यू अंडरस्टैंड कि मेरा जो क्वेश्चन है इट्स नॉट अबाउट नोइंग योर कैपिटल, ठीक है। माय क्वेश्चन इज जस्ट अबाउट बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि एक लड़का जो पार्ट टाइम कहता है कि मैं स्टडी कर रहा था, आई वाज डूइंग फुल टाइम बिजनेस, ठीक है, मेरी अपनी सीड कैपिटल थी, ठीक है। माय क्वेश्चन वाज समवेयर अराउंड कि अभी अगर मैं किसी एक लड़के को पकड़ता हूँ, इवन इफ ही इज वर्किंग टाइम पास, ठीक है, उसके लिए एक रेंट निकालना बहुत मुश्किल होगा जिस जगह पे वो रह रहा होगा, खर्चे निकालना, सेविंग करना, that's why I wanted to understand. Anyways, then you started exploring कि ठीक है कि यहाँ पे capital intensive business है and then तो side by side वो भी थोड़ा hit होने लग गया था कि मतलब ऐसा होता है कि जब कोई भी business grow करता है, आपका एक होता है teething period, ठीक है, जिसमें आप चीजें सेट करते हो, मैनेज करते हो, फिर एक होता है आपका थोड़ा nascent growth period एंड फिर आप थोड़ा ना stagnant एक stage पे आ जाते हो। मतलब ये होता है कि ये रेवेन्यू पे आप आ गए हो, अब ये रेवेन्यू ना ऐसे नहीं हो रहा, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नहीं हो रहा है, ये फ्लैट लाइन हो गई है, ठीक है। तो तब ऑफकोर्स थोड़ा बहुत कैपिटल था तो इन्वेस्टिंग वगैरह करना शुरू कर दिया था, क्योंकि फैमिली में एंड ऑल ऐसे देखा था, सुना था कि कोई अंकल है, उन्होंने इतना एक्स कर लिया, ये कर लिया, एंड तो वो समझती है, बीइंग फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड आई न्यू कि द रियल वेल्थ इज मेड हियर। तो वैसे करके देन स्टार्टेड एज अ प्रॉपर लाइक इन्वेस्टर कि अगर 10 रुपया कमा रहे तो 1 रुपया इन्वेस्ट करो, बाकी 9 से क्या करना है वो देखो। मेरा आज भी यही हिसाब है और स्टार्टिंग से जिस दिन से शुरू किया था ना उस दिन से ये था, और मैं आज भी अगर कोई यंग मुझसे मुझसे बात करता है तो मैं यही बोलता हूँ कि यार सैलरी आ रही है ना, पहले इन्वेस्ट करें बाद में खर्चा कर, तो वो था। तो वैसे कर करके वो चालू किया था एंड आई थिंक दैट वॉज अराउंड 2017-2018 से काफी अच्छा खासा होने लग गया था पोर्टफोलियो, मतलब इन्वेस्टमेंट, मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा, रिटर्न्स ठीक है वो सेकेंडरी थे, कि ये पता था कि इन्वेस्ट तो करना ही है, एफडी से ज्यादा आ रहा है, और एफडी के अलावा मेरे को यही ऑल्टरनेटिव पता था उस समय पे, नहीं तो बिजनेस वैसा। तो देन दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि किसी फ्रेंड वेंड कोई
कोई किसी ब्रोकर के यहाँ पे जॉब करता था, तो उसके थ्रू मैंने कोई अकाउंट खोला था। तो उसने मेरे को एक दिन बोला कि यार मेरे को ना ऐसा ऐसा कुछ ट्रेड करना है, ये निफ्टी का ऐसा ऐसा ऑप्शन है एंड आई एम गोइंग टू बाय दिस और ये करना है, मेरा टारगेट है प्लीज। तो मेरे को तभी समझा ही नहीं कि वो क्या बोल रहा था। आई न्यू कि कुछ तो होता है बट आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड था वाज लाइक अच्छा तो होगा क्या? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, अगर लॉस होगा तो वो, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब मैक्स लॉस क्या होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है तू कर रहा है। तो उससे पहले नहीं कुछ नहीं, मैक्स लॉस होगा तो 5,000 होगा। तो आई थिंक वो कोई हीरो जीरो टाइप कॉल होगी जो उसने एक्सपायरी पे ली होगी, आई एम अज्यूमिंग, मेरे को अभी भी इतना याद नहीं है वो, आई थिंक वैसा ही कुछ होगा। तो उसने एक दो बार मेरे साथ किया था कि यार 2,000 का मैक्स लॉस होगा और ये होगा, 5,000 का मैक्स लॉस होगा और आने को इतना आ सकता है, मतलब ठीक है। और एक दिन अच्छा प्रॉफिट आया भी था, सो देन दैट गॉट मी क्यूरियस कि यार ये क्या है, तो थोड़ा पढ़ते समझते। So then that is how I started understanding की options क्या है और ये क्या होता है, अच्छा futures होता है, okay ऐसे lots होते हैं, इस तरह से भी आप trade कर सकते हो। फिर पता चला अच्छा pledged margin होती है, उस समय तो margin का भी ऐसा कुछ वो नहीं होता था, मतलब आप बहुत ही कम margin में trade कर सकते थे, ये तो बहुत recently अभी साल 2-3 साल में होने लगा है। तो वो सारी चीजें समझी, फिर उसके बारे में read करना शुरू किया, then got to know की okay ये क्या है कैसा है, so then it became really interesting. एंड 2019 तक ना मेरा जो वो वाला बिजनेस था उससे मेरा थोड़ा थोड़ा मन उठने लगा था, क्योंकि थोड़े डिफरेंसेस भी थे आइडियाज में, घर वालों के साथ भी और पार्टनर था उनके साथ भी थोड़े बहुत थे कि यार करना है नहीं करना है कैसे करना है। मेरा ऐसा था कि अपने को और स्केल करना चाहिए, सामने वाले का हमेशा ये होता था कि नहीं कर सकते इसमें ये होगा वो होगा, तो मेरे को अगर कहीं पे ऐसे फुल स्टॉप लगता है ना सो दैट स्टार्ट्स इरिटेटिंग थोड़ा सा कि नहीं मजा आ रहा, मतलब यू सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव मनी राइट, सो देन यू थिंक कि व्हाट नेक्स्ट, आई मीन व्हाट गिव्स यू दैट किक, व्हाट गिव्स यू दैट हैप्पीनेस टू यू नो डू समथिंग मोर। तो देन धीरे धीरे मेरा वहां से पिवट होना शुरू हो गया था। 2019 में आई स्टार्टेड ट्रेडिंग अलॉट कैश स्टॉक्स में भी एंड थोड़ा बहुत फ्यूचर्स करने लगा था, ऑप्शंस भी थोड़े समझने लगे थे बट थोड़ा फ्यूचर ज्यादा करता था, इंट्राडे में भी आई यूज्ड टू ट्राई ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑल, ऑफकोर्स कॉस्ट वगैरह थोड़ी ज्यादा होती है फ्यूचर की, तो धीरे धीरे फिर ऑप्शन की तरफ आए। तो यार वही फिर जैसे सबकी जर्नी होती है, सब कुछ किया, फ्यूचर किया, ऑप्शन बाइंग की, फिर लॉसेस किए, फिर थोड़ा कमाया भी, स्टार्टिंग में थोड़ा मार्केट दे भी देता है फिर ले भी देता है, बट कभी भी ये नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया या यू नो ऐसा कोई पेन पॉइंट, क्योंकि ये था कि यार अंदर से बिजनेसमैन है तो इसको भी बिजनेस जैसा लेना है, तो एक वो अंडरस्टैंडिंग थी हमेशा से। इसलिए मेरे फ्रेंड ने भी जब कॉल किया था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि यार मैक्स लॉस क्या है, खोने को कितना खो सकते हैं, एक बिजनेसमैन को हमेशा वो चीज पता रहती है। एंड सेम मेरा भी यहाँ पे फंडा था, तो कभी ये नहीं हुआ, कोई ऐसी सॉफ्ट स्टोरी नहीं है कि यार नुकसान हो गया ये हो गया वो हो गया फिर सीखा, समझती सीख समझ के करते थे, पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत ऑनलाइन ये वो कैसे करते क्या करते, तो पढ़ पढ़ के थोड़ा बहुत किया सीखे समझे, फिर पूरी इवोल्यूशन वाली स्टोरी थी और अभी जो करते हैं वैसे। आई थिंक यहाँ पे एक बात ना बहुत अच्छी निकल के आई है, बिकॉज अभी भी जब मैं कई बार ट्रेन करता हूँ ना लोगों को के अंदर, उस टाइम पे व्हाट आई डू इज मैं उनको एक चीज बहुत जरूरी बताता होता हूँ कि इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड नॉट फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू डू नॉट हैव एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, उनको लगता है कोई बात नहीं लॉस हो रहा है ना भेज जाएंगे अगला ले लेंगे, बट दे फॉरगेट दिस थिंग जो मनी वाला जो एलिमेंट फाइनाइट रिसोर्स, अगर वो खत्म हो गया आपको फीलिंग कोई नहीं करना होगा, अगर आप उसके अंदर और डेप्थ में चले गए जस्ट थिंकिंग अबाउट हाँ मेरा नेक्स्ट मेथड वर्क कर जाएगा, यू आर एक्चुअली गेटिंग इनटू मोर ट्रबल एट दैट। तो बीइंग अ बिजनेसमैन मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो ये भी इन लोगों की बड़ी क्लियर होती है कि उनको पता है कि यार पहले दिन से दे आर आस्किंग मेरा लॉस कितना होगा, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मेरा हिट रेट कितने वाला कितना होने वाला। आई थिंक दैट दैट हेल्प्स। सो एनीवेज उसके बाद देन हाउ डिड यू लैंडेड अप इन वेदर स्टॉक्स? सो सी आई वुड से आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द फिनट्रेड कम्युनिटी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू, मैं बहुत ट्विटर से सीखा है और बहुत यूट्यूब और ट्विटर से बहुत सारे लोगों को फॉलो करके बहुत सीखा है, क्योंकि देखो हम हमारे शेल में रहते हैं, मैं कोई अलग दुनिया से था। ठीक है, मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि फाइनेंस की दुनिया पूरी अलग है, और स्टार्टिंग से मेरे को ये पता था कि इफ यू हैव द राइट ब्रेन्स नो कैपिटल इज नॉट व्हाट विल स्टॉप यू टू डू टू ग्रो अहेड, ओके पीपल फाइंड यू इफ यू हैव द राइट ब्रेन। तो आई एम गोइंग टू प्राउडली से दैट भाई मैंने बहुत वर्कशॉप्स अटेंड किए,
और बहुत लोगों से सीखा है, एंड विदाउट वर्कशॉप भी बहुत लोगों से सीखा है, विद वर्कशॉप भी बहुत लोगों से सीखा है. मेरा हमेशा मानना है कि यार दो चीजें हो जाती है, या तो आप कुछ अच्छा सीख लेते हो सामने वाले से, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो पैसे कमा रहा है नहीं कमा रहा है क्या कर रहा है, मेरा उससे लेना देना नहीं है, ठीक है. उसने कुछ बताया, मैं कोई भी एक पॉइंट को लेके, उसे 10 पॉइंट बताए, मैं अगर एक पॉइंट को लेके मेरे फ्रेमवर्क में बिठा दूंगा तो मैं सक्सेसफुल हूं. दूसरी चीज ये है कि आपका वैलिडेशन हो जाता है कि यार मैं तो सही कर रहा हूं, कोई फोमो में आने की जरूरत नहीं है. अगर पैसे नहीं बन रहे इस महीने इस हफ्ते तो शांति रखो, बनेंगे, लाइक कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है. तो दो चीजें पता चल जाती कि यार ये एकदम बकवासी है, इससे अच्छा तो मैं कर रहा हूं, और दूसरा ये कि इसको लेके ना अपन कुछ कर सकते हैं. तो वैसे ही इन सम वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस टाइप थिंग आई मेट माय पार्टनर आल्सो कपिल वैद्य, एंड वी क्लिक्ड, वी स्टार्टेड टॉकिंग आफ्टर द वर्कशॉप. हम साथ में, थोड़ा दूर था तो हम साथ में घर आए, तो बॉम्बे है, ट्रैफिक में एक दो घंटा लग गया, बात बात हुई, काफी अच्छे से क्लिक हुआ. वो भी बिजनेसमैन है, मेरा बहुत अच्छे से उनसे ट्यूनिंग जमा, उनके भी सेम आइडियाज है, वो भी, उनके भी मल्टीपल बिजनेसेस है, तो दैट इज हाउ वी क्लिक्ड एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग. तो एक दिन बस सोचे कि यार कुछ करते हैं, साथ में करते हैं तो थोड़ा और बेटर वे में कर सकते हैं. एंड मेरा हमेशा से मानना ये कि यू नो, एक हमेशा ना एक डिफरेंस होता है, आप जब कोई काम करो ना तो उसको एक प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर चीज के साथ करना जरूरी है. आप छोटा सा माउस यूज करो, आप छोटे से, आप फोन से ट्रेड कर लो, आप छोटे से स्क्रीन पे ट्रेड करो, यू नो यू डू दैट, तो यू आर नॉट गिविंग इनफ जस्ट टू योर प्रोफेशन. आप ये दे ही नहीं रहे हो कि आप उतना ग्रो हो सकते हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं डिजर्व करूं कि मैं इतना इतना परसेंट रिटर्न बना लू. सी आई एम नॉट सेइंग कि यू नीड टू हैव अ वेरी फैंसी एलईडी वाला सेटअप एंड लाइट्स एंड यू नो ट्रेडर लिखा हुआ दीवार पे, यार ऐसा नहीं है. बट एक ऑफिस होना ना एक एज होता है, मैं ये चीज को आज बहुत अच्छे से मानता हूं, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन और जो टाइम और जो दिमाग यहाँ ऑफिस में चलता है ना, उतना आप घर पे नहीं कर पाते. भले आपका, ठीक है, अगर किसी के घर में ऐसा हो, अभी जैसे आप लोग अगर नॉर्थ साइड में हो तो हाँ घर में कर सकते हैं, कि भाई घर में जगह होती है, राइट, तो आप अलग से ऑफिस बना लो, वहां कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप अपनी चीजें कर रहे हो, अलग बात है. बॉम्बे में नहीं हो पाता और फिर आपके घर वाले आपको सीरियसली भी नहीं लेते. यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस. आपको पहले मरना जरूरी है, यू नो, जीने के लिए, लाइक सीखने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए. तो देन सोचा कि यार ऐसे मजा नहीं आ रहा है कि यार छोटा छोटा कर रहे, अपने कैपेसिटी में तो ठीक कर रहे, बट कुछ थोड़ा और अच्छा करते हैं, मतलब यू नो कुछ आगे स्केल कर सकते हैं. तो ये आइडिया से भी स्टार्टेड, एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस इज गोइंग गुड डिसेंट, वी बीन एबल टू यू नो मैनेज गुड थिंग्स. कुछ चीजों के साथ मैं बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है. जब ट्रेनिंग मैंने की थी फर्स्ट टाइम अपनी, मैंने भी फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर से की थी, मैंने भी खुद की वैलिडेशन के लिए की थी, ठीक है, कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है. और करने के बाद मुझे भी लगा यार जो मैं कर रहा था वो ज्यादा बेहतर, और अल्टीमेटली इट वॉज अबाउट कि जो मैं किसी से सीख रहा था, I cannot just grasp the full system. मुझे उसके अंदर से कुछ elements अपनी trading के अंदर incorporate ही करने पड़ने थे, ठीक है. And yes, I do believe कि यार जो अपना office होता है ना, अपना office घर पे, अब मैंने ये YouTube का सारा setup करना शुरू किया था, ठीक है. I set it up at two places. ठीक है, मैंने एक office में setup किया था, एक मैंने अपने घर के अंदर भी setup किया था. गलती से मैं दो तीन दिन घर पे चला गया और वहां से मैंने ना रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, एंड आई वाज लाइक वेल फ्रस्ट्रेटेड. पेट्स रखे हुए हैं नीचे से, पेट्स भौंक रहे हैं, ठीक है, मेरे कुत्ते लगे हुए हैं वहां से, उसमें मेरे पास बर्ड्स है, ऊपर से बर्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है, कोई दरवाजा खोल रहा है, नीचे से बच्चे आ रहे हैं, बाहर कॉलोनी में बच्चे खेल रहे हैं. मैंने उठाकर धीरे धीरे सेटअप उठा के वापस मैं ऑफिस में लेके आ गया. मैंने कहा रात को ऑफिस खोल लूंगा वो ज्यादा बेटर है रादर देन. एनीवे, सो राइट नाउ व्हेन यू आर वैद्य कैपिटल, ठीक है, वैद्य स्टॉक्स एंड कैपिटल, what is it you do exactly now? So basically, हम लोग algo based trading करते हैं, and we try to build scalable models, sustainable models, जो हम ज्यादा time तक trade कर पाए, ज्यादा effectively trade कर पाए, हर चीज को बहुत ही intensively test करके, try out करके फिर trade करते. We have proper mathematical systems कि हमको कब increase करना है, कब decrease करना है. जनरली लोग इस चीज पे ज्यादा बात करते हैं कि आपको डिक्रीज कब करना चाहिए. मैं थोड़ा इस चीज पे भी ज्यादा फोकस करता हूँ कि मेरे को मेरा कैपिटल इंक्रीज कब करना चाहिए, राइट. अगर मेरे पैसे बने हैं तो इज इट द राइट टाइम,
क्या मेरे को एग्रेसिव कंपाउंडिंग करनी चाहिए. इट्स एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी कीप ऑन ट्राइंग आउट, दैट वी कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन इम्प्लीमेंटिंग. इट्स बेसिकली दैट. और वो साथ में मिलके करते हैं तो थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि यू ऑलवेज हैव दिस पर्सन. तो हम दोनों का ऐसा है कि व्हेनेवर वी वर्क इट इज ऑलवेज यू नो क्रॉस कोचिंग. लाइक आप जब अकेले हो आपको आपकी मिस्टेक्स बताने के लिए कोई है नहीं, राइट? आपको आपकी मिस्टेक फिर मार्केट ही बताएगा, और वो हो सकता है एक दिन में बताए या दस दिन में बताए या दस महीने बाद पता चले कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए था. लाइक कुछ लोग होते हैं कि मेरे पास फंड्स है बट मेरे को सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो मैं पूरा लिक्विड भी इसमें डाल देता हूँ और मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करूंगा. बट देन तुमने अक्टूबर से लेकर जनवरी तक की पूरी रैली मिस कर दी, तो उस समय पर तुम कैश ट्रेड्स क्यों नहीं करोगे? ये अगर कोई दूसरा पर्सन होता है तो आपको वो पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से मिलता है. सो व्हाट वर यू सेइंग एट दैट टाइम? तो यही कि वो एक तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जो मिलता ना, दैट रियली हेल्प्स. तो वो ही करते हैं कि यार हर चीज को टेस्ट करके ट्राई करके ट्रेड करते हैं, चीजें समझ के सोच समझ के कैसे करना है क्या करना है, और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बहुत ही कंजर्वेटिवली ग्रो होने का हम दोनों का एम है. एनी वेयर बिटवीन यू नो आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव पर्सन, और वो आइडियोलॉजी दिमाग में फिक्स है कि यार चार ही आउटकम हो सकते हैं, मतलब बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस बिग लॉस. बस बिग लॉस अवॉइड करना है, जब तक वो हो रहा है तब तक सब चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. And then another thing is you said that कि अगर कैश में आप लोगों को ट्रेड्स मिलती हैं तो आप कैश में भी लेते हो उस चीज के अंदर, ठीक है? So अब जैसे ये अक्टूबर से लेके सितंबर के बाद से लेके फरवरी तक का पीरियड आया था when all the small, mid and Nifty 500 जो बेसिकली था बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मूव किया था, ठीक है? तो were you trading that? We were trading everything. अगर opportunities आती है तो we were taking it. But then so you are not a option trader or a cash trader, पर आप जिस तरीके की trade मिलती है आप उसको trade को करते हो उस तरीके. नहीं, basically I am a options trader only. Main thing is options only. But मेरा ये मानना है कि see I always like to question myself कि I am 29 right now. Okay. मेरे को अब मैं जो ये कर रहा हूँ उसमें बहुत मजा आ रहा है, ओके? और मेरे को ये करना है अगले 20-25 साल ना, मेरे को ये बहुत अच्छे से करना है. तो आई ऑलवेज कीप ऑन क्वेश्चनिंग में कि यार 2024 में ना बहुत मजा आ रहा है, 2029 में मैं सेम चीज कर पाऊंगा क्या, ठीक है? तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आपको सारी चीजें ट्राई करनी चाहिए. ऑप्शन मेरी मेन चीज है, ऑप्शन मेरा ब्रेड एंड बटर है, ठीक है? मैं सारी मेन चीज पूरा सब कुछ ऑप्शन पे डिपेंडेंट है, बट मीन वाइल मैं कमोडिटीज भी सीखने का ट्राई कर रहा हूँ, उसमें भी डैबल करता हूँ, उसमें डायरेक्शनल ट्रेड्स लेने की ट्राई करते हैं. मैंने कुछ महीनों तक क्रूड को होल्ड किया था रिसेंटली, उसके अप रैली में. दूसरे भी कमोडिटीज पे ट्राई करते रहते हैं, कैश ट्रेड्स भी ट्राई करते रहते हैं, किसी बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज वर्किंग टुडे, विल इट वर्क टुमारो और नॉट. और मेरे को ये टाइम पास के लिए या यू नो जस्ट फॉर द किक ऑफ इट या कुछ समय के लिए नहीं करना. सी आई विल टेल यू व्हाई दिस क्वेश्चन कीप्स ऑन कमिंग सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक. आई एम जस्ट थोड़ा सा डिविएटिंग. मेरे ना ऑफिस में एक मुझसे मिलने के लिए ना कोई आया था एक बार, ठीक है? हम लोग ऐसे कैजुअली मीटअप्स वगैरह करते रहते हैं, जस्ट कैजुअली सैटरडे संडे बोर हो रहा है, वी लाइक टू स्टे इन द ऑफिस, तो कभी महीने में एक बार, दो महीने में एक बार ऐसे मीटअप्स करते हैं. तो एक बार ना कोई आया था मिलने के लिए, मेरे को बोले कि यार थोड़े एजेड थे अंकल, तो बोले कि बेटा मेरे को ना तेरी हेल्प चाहिए. तो मेरे बोला बताओ क्या हेल्प चाहिए. तो बोले कि यार मैं ना मार्केट में 25 साल से हूँ. मैं बोला मैं हूँ 28 साल का, आप मार्केट में 25 साल से हो, मैं क्या हेल्प करूँ आपकी, आप बताओ. तो ही सेड कि यार एक जमाने में ना मतलब मैं बहुत आर्बिट्रेज करता था, वो एनएससी बीएससी करते थे एक जमाने में लोग, राइट? यहाँ क्योंकि मिस मतलब पार्टिसिपेशन कम थी, मिस प्राइसिंग होती थी बेसिकली एज फार एज आई अंडरस्टैंड, कि एनएससी में लिया बीएससी में बेचा, ये वो करते थे. फिर एक समय पे वो कैश फ्यूचर्स वाला आर्बिट्रेज करते थे, ठीक है? उस समय पे ना वो बोलते कि मैं इतना फास्ट था और मेरे को इतना आता था ना कि कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता था. देन ही सेड कि 2019-20 से ना ये सब होना ऑलमोस्ट मतलब बंद हो गया है, मतलब ये ऑब्सोलीट हो गया है ये जो मार्केट है अभी. उनके हिसाब से यहाँ पे कुछ ज्यादा उनको नहीं मिलता है अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? और जो पहले का रिस्क रिवॉर्ड था और जो पहले की इनकम थी वो भी सस्टेनेबल नहीं है अभी. ऑप्शंस का बहुत ज्यादा ट्रेंड है ही सेड, स्पेशली 2019 कोविड के बाद से अपने को भी पता है ऑप्शंस का बहुत ज्यादा बूम हुआ. तो ही ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग ऑप्शंस एंड ऑल. बट उनकी प्रॉब्लम क्या थी, आर्बिट्राज. वो बोले कि हम लोग आर्बिट्राज वालों का क्या होता है कि हमको 10 पैसा आया ना हम बुक कर लेते हैं, और 2 पैसे से ज्यादा लॉस आया ना मैं देख नहीं सकता.
तो मेरे को कहीं ना बैक ऑफ द माइंड में मेरे लग रहा था कि यार हमारे दिमाग में भी ना ऐसे ही हैमर किया गया है कि 1% से ज्यादा लॉस लेना नहीं है, यू नो, इससे ज्यादा आईटीएम ऑप्शन बेचना नहीं है, ये चीज करनी नहीं है। एक यू नो एक सर, आप किसी से भी बात कर लो ट्विटर पे या इन जनरल, आप किसी से भी बात करोगे वो आपको 4-5 चीजें गिना देगा कि 1% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, कोई 1.5 लेता होगा, कोई 2 लेता होगा, बट उससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, आपकी पोजीशन साइजिंग ये होनी चाहिए, आपको एक लॉट अगर 1 लाख का होता है तो आपको उसको 2 लाख में बेचना है, ऐसे काफी सारी चीजें जो अपने दिमाग में हैमर्ड डाउन है। वो अंकल से मेरे को बात करके रियलाइज हुआ कि उनके दिमाग में जो साइकोलॉजी है ना लास्ट 20-25 साल की, वो हैमर्ड डाउन है कि मेरे को लॉस इतना ही देखना है और मेरे को इतने प्रॉफिट में निकल जाना है, फिर मेरे को दूसरी ट्रेड लेनी है। वो ऑप्शंस भी जब ट्रेड करते हैं तो सेम चीज करने की ट्राई करते हैं, बट वी ऑलवेज नो कि अपने को एक SL देके बैठना है या अंडरलाइन पे बैठना है या कोई मूवमेंट पे बैठना है, राइट? एंड उसके बीच में अगर कुछ मिसप्राइसिंग हुआ, कभी अगर आईवी शूट हुई तो आपको थोड़ा लॉस दिख सकता है, बट देन यू हैव टू सस्टेन इट, राइट? तो आई एम ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ दैट कि यार मेको ना मेरी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, मेरे को ये आंसर चाहिए एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ माय लाइफ, क्या मैं 5 साल बाद ये कर सकता हूँ? अगर मैं नहीं कर सकता तो मेरे को 5 साल बाद की तैयारी आज से करनी है, क्योंकि 5 साल बाद मेरे को कोई हेल्प करने के लिए आने नहीं वाला है, या किसी को भी आपको कोई हेल्प करने के लिए आने नहीं वाला है। यू नीड टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, यू नीड टू नो योर गेम, एंड इफ आई डिसाइडेड टू स्टे इन दिस गेम देन आई नीड टू बी फेमिलियर विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। आज कैश ट्रेडिंग की साइकोलॉजी ऑप्शन ट्रेडिंग की साइकोलॉजी से बहुत अलग होती है, और डेल्टा न्यूट्रल ऑप्शन सेल करके और न्यूट्रल पोजीशंस बिल्ड करके कमोडिटीज में डायरेक्शनल बेट्स लेना फ्यूचर्स में बहुत अलग होता है, राइट? हर चीज की एक साइकोलॉजी अलग है। सो आई ट्राई टू डैबल एंड यू नो अंडरस्टैंड कि क्या आगे क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं चला तो मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूं, इट इज जस्ट दैट। बाकी मेन जो ब्रेड एंड बटर है वो ऑप्शंस है फिलहाल। That you are purely systematic, run by algorithm, or you trade manually in that thing? Purely systematic. Okay. So if I have to explore this thing a little bit with you, can you share something with my users which will help them in trading? There's so much out there about options. It's just बैक ऑफ द माइंड इफ आई थिंक समथिंग, यार ये है कि अभी जैसे आजकल विक्स बढ़ रहा है, राइट? तो कुछ स्ट्रैटेजीज जो 5-6 महीना पहले बहुत अच्छा कर रही थी, लाइक कुछ डेल्टा न्यूट्रल प्लेयर्स ने ना ऑगस्ट में बहुत अच्छा पैसा बनाया था। इफ यू गो बैक एंड यू स्कैन द स्क्रीनशॉट्स ऑन ट्विटर, यू विल सी सो मेनी यू नो प्योरली नॉन डायरेक्शनल प्लेयर्स हैव गॉट वेरी वेरी गुड मनी इन ऑगस्ट। दे माइट नॉट बी मेकिंग वेरी गुड मनी नाउ जैसा उस समय पे बना, राइट? या जैसे उस क्वार्टर में बना था। तो यू शुड ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग कि यार ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। इट इज नॉट लाइक अरे मेरे स्ट्रैटेजी के बुरे दिन आए या स्ट्रैटेजी नहीं चल रही। अगर स्ट्रैटेजी नहीं चल रही तो वो क्यों नहीं चल रही, वो जानना जरूरी है। तो यू नो देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू। एक रेगुलर बेसिस पे मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ वो ये है कि हम थोड़ा सा ना ATR को नोटिस करते हैं कि यार करेंटली जो एवरेज 2 रेंज चल रही है वो क्या है। या चलो आपको इंडिकेटर्स वगैरह अगर नहीं समझना, सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, आप डेली का ना ओपन टू हाई देख लो या ओपन टू लो देख लो क्या बनता है, ठीक है? या हाई टू लो देख लो क्या बनता है। एक आपके दिमाग में ना एवरेज होना चाहिए कि निफ्टी का ना पहले एवरेज ये था, अभी निफ्टी का एवरेज ही हो गया। अगर निफ्टी की रेंज एक्सपांशन हो रही है, ठीक है, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी जिसमें एकदम ब्लाइंड एग्जांपल कि अगर कोई स्ट्रैटली बेच रहा है एंड 920 पे बेच रहा है, स्टॉप लॉसेस लगा रहा है, ठीक है, उसका वो 40% का स्टॉप लॉस उस समय चल रहा था, वो अभी क्यों नहीं चल रहा, उसका एक कारण ये हो सकता है कि अभी थोड़ी सी रेंज एक्सपांड हो गई है, राइट? मैं स्पाइक कीपिंग द स्पाइक्स वाला पार्ट असाइड, दैट इज कंप्लीटली समथिंग एल्स, बट अगर आपकी रेंज बढ़ रही है तो यार आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए ना, तो उसके हिसाब से आपको कैसे चेंज करना है या कैसे अपडेट करना है, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादा लोग एनालिसिस में नहीं जाते। मेरे को एल्गो ट्रेडिंग एंड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की सबसे खराब चीज ये लगती है कि इट्स बिकम वेरी वेरी इजी, वेरी एक्सेसिबल, ठीक है? तो आप एक वीडियो गेम जैसे दूसरी चीजें ट्राई करके एंड दूसरे स्टॉप लॉसेस ट्राई करके या दूसरी टाइम ट्राई करना, दैट इज नॉट जस्ट एल्गो ट्रेडिंग। प्रॉपर एनालिसिस करना, लाइक मेरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है कि थोड़ा सा जो सेकेंड हाफ है ना निफ्टी में, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा शांत हो रहा है, वो थोड़ा सा बेटर है फिन निफ्टी का जो सेकेंड हाफ है वो थोड़ा सा शांत है, तो आप स्ट्रैटेजीज उस तरह से डिप्लॉय कर सकते हो,
इट इज नॉट जस्ट कि मेरी एक स्ट्रैटेजी मैं उसको पकड़ के चलू या अगर ये नहीं चल रहा तो दूसरी चीजें वेरिएशन ट्राई करते रहूं. ब्लाइंडली वेरिएशन नहीं ट्राई करने चाहिए. यू नीड टू बी वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट एंड यू नीड टू नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. मैंने जब ये जर्नी चालू की थी तो मैंने लिटरली बुक्स भरी मेरे ऑब्जर्वेशन से कि मॉर्निंग टाइम पे ये हो रहा है, आफ्टरनून टाइम पे ये हो रहा है, और यू नो इवनिंग टाइम पे ये हो रहा है, कैसे करना है ट्रेड एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो ऑब्जर्वेंट होना, चार्ट देखना बहुत जरूरी है. देयर आर सो मेनी पीपल आई सी स्पेशली यंगस्टर्स, आई कीप स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो उसमें ना बहुत यंगस्टर्स का स्पेशली ऐसा है कि अरे सर मैं तो चार्ट देखता ही नहीं. अरे मैं क्यों नहीं देखता, मतलब how are you trading without looking at charts just on basis of a plain SL or something like that? Yes sir. So I think that is one very major and important thing. और जो आप algorithm अपने आप चला रहे हो, you have taken help of some third party services की या फिर आपने अपना सब कुछ develop किया हुआ उस चीज के ऊपर in house? हम जितने थर्ड पार्टी सर्विसेज है सारे यूज करते हैं और सारी यूज करने का ट्राई करते हैं. अगर कोई भी नया टूल मार्केट में आता है एंड मेरे को उसके बारे में पता चलता है तो आई हैव अ इच टू ट्राई इट आउट. ठीक है, तो हर टूल का एक बेनिफिट होता है और हर टूल का ड्रॉबैक भी होता है. कोई कोई टूल्स है, कोई कोई चीजें बहुत अच्छे से होती है और कोई कोई चीजें उन टूल से नहीं हो सकती, तो फिर वो आपको सेल्फ कोड करा के करना पड़ता है. तो इस चीज में बेनिफिट ये है कि माय पार्टनर इज फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, ही अंडरस्टैंड्स अ लॉट ऑफ कोडिंग फ्रॉम हिमसेल्फ. ठीक है, आई एम फ्रॉम अ नॉन कोडिंग बैकग्राउंड बट आई अंडरस्टैंड एनालिसिस एंड स्ट्रेटजीज वेरी वेल. तो वो हम दोनों साथ में मिलके कर लेते हैं. बाकी आप आउटसोर्स करके यार आप टेलीग्राम पे जाके ढूंढ लो, आपको इतने कोडर्स मिल जाएंगे, आपको काम कराना आना चाहिए. और जैसे मैं मेरे पुराने बिजनेस का भी एग्जाम्पल दूंगा, आज मेरा क्लोथिंग बिजनेस था, मैं धीरे धीरे ट्रेडिंग से जब मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू शिफ्ट होते गया ना, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार अगर मास्टर मेरे को कहीं पे अगर घुमा रहा है ना, तो उसको ना क्रॉस क्वेश्चन करना भी मेरे को नहीं आता क्योंकि मैंने उस चीज की पढ़ाई नहीं की है. राइट, इसलिए मैं बिजनेस के साथ फिर पढ़ाई करना शुरू किया कि यार मेरे को ये नहीं है कि मेरे को टेबल पे बैठ के कोई गारमेंट बनाना है या डिजाइन करना है, बट मेरे को काम करवाना आना चाहिए. तो उतने लेवल का भी अगर आप बेसिस सीख लो ना, तो आप काफी कुछ कर सकते हो. प्लस यू नो दिस चैट जीपीटी, एवरीबडी हैज टू लर्न दैट इट इज. आप चैट जीपीटी में, मैं दो तीन दिन पहले ये ट्राई कर रहा था, मैंने कुछ उसमें लिखा आरएसआई देश की, जब आरएसआई 30 के नीचे हो और फिर वो जब रिवर्ट करके 32 के ऊपर जा रहा है, तो मेरे को उस समय पे स्टॉक बाय करना है, यू नो ऐसा कुछ करना है, एंड गिव मी अ पाइन स्क्रिप्ट कोड फॉर दिस, एंड इट गिव्स यू अ कोड. You just आप YouTube पे जाके देख लो ट्रेडिंग व्यू पे कोड कैसे डालते हैं. यू कैन जस्ट कॉपी दैट कोड, यू कैन पेस्ट इट, यू विल ट्राई टू यू नो एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग आइडियाज. दैट इज एक थोड़ा करना जरूरी होता है. मेन चीज ये कि यू हैव टू डू इट, पीपल हैव टू लर्न इट. यू कांट रिलाय एंड कांट गेट रिलैक्स. द डे यू गेट रिलैक्स आई फील मार्केट शोज यू इट्स ट्रू कलर. एंड नाउ यू आर गेटिंग मैरिड व्हेन यू आर अ ट्रेडर. What are your thoughts on that? How does the family feel about it? You know, So I have been thoda sa lucky in this thing. I have been dating my fiance since almost a decade now, more than a decade now. So we met when we were in college quite young. So she's seen all my days, business wale bhi and business jab acha nahi chal raha tha, wo wale bhi, transition wale bhi. So she's been very supportive. So mera wo wala part thoda sorted hai. Usme koi issues. Yeah. I think it was nice talking with you, Aditya. Okay, we will do one more session and there I will ask you to share some strategy with my users. Right now, I just wanted to know about you and I think that's more than enough to get an idea of what you do. Okay, definitely. So until next time, thanks a lot. Definitely, bro. Thank you so much for having me. Thank you. See you.